दोस्तों अभी जो है हम अपना GoPro जो हमने वहाँ से देहरादून से लिया था आपके सामने जो लिया था उसी का जो है हम टेस्टिंग करेंगे घर जाते हुए। अभी रास्ते में इससे एक कैप्चर वाला जो है एक ब्लॉग बना लेते हैं और थोड़ा आपको भी दिखाते हैं किस टाइप से इसका जो है जो भी इसका फुटेज है वो आपको दिखाते हैं। तो इसे कुछ इस टाइप से लगाना है, यहाँ पर हमने इसमें ये बैट सी ले लिए और अब इसे इसमें लगाएंगे। ऐसे पूरी तरह से टाइट करेंगे जब तक ये नट जो है टाइट नहीं होता तब तक जो है हमें इसे घुमाना है। ये हमारा टेम्पररी जो है सेटअप है, अभी इसके लिए हम हेलमेट भी लेंगे। तो देखिए कुछ इस टाइप से दोस्तों अभी जो है बात कर लेते हैं इस कैमरे के बारे में। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगी पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ये GoPro का 7 वाला वर्जन है। तो ये हमने लिया था 12,000 रुपये में। तो कुछ देखने में इस टाइप से ये देखने पे दिखाई पड़ता है। पीछे इसकी स्क्रीन है, आगे की तरफ आपको जो इसमें स्क्रीन है इसमें आपको जो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और अदर जो है जानकारी मिलती है। ये ऊपर वाला बटन आपको दिखाई पड़ता है, इस वाले बटन से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसी से आप रिकॉर्डिंग जो है बंद कर सकते हैं जिस वक्त आप राइडिंग करेंगे। और इस पे जो है साइड पे एक जो है ऑन ऑफ का ये बटन है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस टाइप से जो है इसका इंटरफेस है। तो एक छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हमने इसे बटन दबाया तो ये ऑन हो गया। सामने आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की इसकी स्क्रीन आती है और आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस पर साइड पर ये वाला आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो मोड, फ़ोटो मोड और ये टाइम लैप्स वाला मोड है। वीडियो प्लस फ़ोटो का यहाँ पे मोड है, लूपिंग का मोड है। यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो का भी मोड आ जाता है। तो यहाँ से आप वीडियो और अदर जो है वीडियो और फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस साइड पे आप क्लिक, ये जो इस साइड पे आपको दिख रहा है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो रिकॉर्ड कर रखी है ये फुटेज दिखाई पड़ेंगे आपको। यहाँ से आप इसे चलाकर भी जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको फुटेज भी जो है चालू हो जाएगी आपको इसकी वीडियो को चलाकर आपको दिखाने की। तो यहीं से आपको जिससे कि पता चल जाएगी कि वीडियो किस तरह से चलती है। तो इसमें इसके जो है माइक इस तरफ नीचे की तरफ इसके जो है लाउडनेस आपको नीचे करना होगा तो इस टाइप से आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे करेंगे तो ये अपना भी अपने मोड पे आ जाएगा। साइड में आप जो है यहाँ पे अपना जो है ये बैटरी की परसेंटेज वगैरह देख सकते हैं और इस तरफ का भी एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर देखिए ये PT प्रोट्यून का एक ऑप्शन है और इसके बाद जो है वीडियो स्टेबलाइजेशन। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो है इस वाले कैमरे में 1080 फुल HD प्लस स्टेबलाइजेशन में ये काम करता है। इसे मैं खोल कर भी दिखा देता हूँ। ऑटो लो लाइट और अदर फंक्शन इसमें, ये मैनुअल ऑडियो कंट्रोल वगैरह का जो है इसमें फंक्शन है। तो इसे नीचे कर लेते हैं। तो मैं अगर आपको इस पे जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है इसमें जो है ये सारे फंक्शन 4K 2.7K और ये सारे फंक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1080 पे जो है ज़्यादा बेस्ट होता है। एट द रेट 60 FPS पे आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, आज का हमारा व्लॉग चालू हो चुका है और आज जो है हम इस कैमरे की जो है टेस्टिंग करेंगे जो हमने GoPro लिया था देहरादून से कैमरा मार्केट से, जो कि हमारे कल के व्लॉग में आप देख सकते हैं। तो आज जो है इसको आप लोग हम जो है अपनी बाइक पर करेंगे और साथ ही चेक करेंगे कि कैसा इसका जो सुपर व्यू है, कैसे इसकी स्टेबलाइजेशन है। साथ ही साथ जो है चेक करेंगे कि ये हमारे जो इसके इंटरनल माइक से कैसे इसकी आवाज़ आ रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये इसके इंटरनल माइक की आवाज़ है और इंटरनल माइक से जो है कैसी आवाज़ आ रही है, कैसी इसकी नॉइस, इसकी कैंसिलेशन है, तो यही हमें चेक करना है।
तो चलिए अभी जो है इसे थोड़ा घर पे जो है जो भी हमारा आज का डेली रूटीन है इस पर चेक करेंगे। तो रॉकी हमारा आ चुका है, रॉकी का भी मस्तीबाज बच्चा है। देखो अभी देख रहा है कि हमारे हम क्या चेक कर रहे हैं, ये भी देख रहा है कि कैमरा के जो है से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसका जो सुपर व्यू है कुछ ऐसे देखने के लिए दिखाई देता है कि कैसे आपको जो है काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि कैमरे का लेंस जरा छोटा सा ही है, लंबा चौड़ा सा होता है। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं टाइम लैप्स, ये गोप्रो से मैंने किया है, साथ ही साथ जो है इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन की गई है, तो कुछ इस टाइप से इसका जो है टाइम लैप्स होता है, काफ़ी ठीक ठाक सा इसका टाइम लैप्स है। इसमें जो है हम मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट का एक टाइम लैप्स बना कर देखा था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ फुटेजेस, इस पर मैंने जो है कुछ फुटेजेस ली है, रॉ फुटेजेस है। सबसे आखिरी में जो फुटेज आएगा वो मैंने नाइट मोड में लिया है, तो कुछ इस टाइप के जो है रॉ इसके फुटेजेस मिलते हैं। 4K में वीडियो बन रही है और वीडियो में जो है स्टेबलाइजेशन का जो है इसमें मोड है नहीं 4K में, तो देख लेते हैं कि कैसे वीडियो बनती है, स्टेबलाइजेशन कैसा है, क्योंकि इसमें जो है 4K में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन कितना है, थोड़ा दौड़ के भी देख लेता हूँ कि कैसा इसका स्टेबलाइजेशन है। तो दोस्तों अभी चेक कर लेते हैं इसका पोर्ट्रेट मोड। तो पोर्ट्रेट में मैंने ये कैमरा ऊपर की तरफ रख लिया और जो है स्क्रीन जो जिसमें रिकॉर्डिंग दिखाई पड़ रही है ये नीचे की तरफ है। तो चेक कर लेते हैं कि किस तरह से जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही है पोर्ट्रेट में, जैसे कि हमें चाहिए होता है मोबाइल में उस टाइप से रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। वैसे पलट के भी देख लेता हूँ एक बार। तो अब मैंने इसे नीचे की तरफ कैमरा ऊपर की तरफ स्क्रीन करके जो है रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया है और देखता हूँ कि ये पोर्ट्रेट मोड बिल्कुल एक्जैक्ट वैसे ही है जैसे कि हमें मोबाइल में चाहिए होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरीज और फेसबुक के लिए अगर कोई आपको वीडियो बनानी है तो पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा बेस्ट होती है, उसमें ज़्यादा बढ़िया आपको रील या शॉर्ट बनाने के लिए चाहिए होता है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारा वीडियो बन रहा है। दोस्तों अभी जो है नाइट होने वाली है, तो आज जो है इसका नाइट का भी जो है परफॉर्मेंस देख लेते हैं और देखते हैं कि कितना इसमें जो है क्लियर आता है और क्या इसमें जो है नज़र आता है। तो चलिए छत पे चलते हैं फिर से और एक बार जो है फिर से जो है इसकी टेस्टिंग जारी रखते हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नाइट में वैसे परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी नहीं होती GoPro की, पर मुझे इसमें जो पसंद है, जो मैंने जिसलिए लिया है स्पेशली, वो इसलिए लिया है कि इसका स्टेबलाइजेशन मेरे को काफ़ी पसंद है। जैसे कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, देखिए कितनी स्टेबल इसकी जो है वीडियो है। तो हम फिर से पहुँच चुके हैं, आसपास का माहौल आपको दिखा देता हूँ। और मुन्नू भी ऊपर की तरफ आ रहा है, आओ मुन्नू आओ, कमॉन मुन्नू, कमॉन कम आराम से मुन्नू, चलो मुन्नू भी आ गया है। अब मुन्नू जो है यहाँ पे घूमना चालू कर रहा है। हाँ ऐसा कुछ जो है यहाँ पे देखने में, अभी जो है काले बादल आ चुके हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अभी लाइट हमने जला ली है और लाइट मुन्नू ने अभी बंद कर दी है, एक बार जला कर फिर से देख लेते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस इसका नज़र आ रहा है। बार बार मुन्नू इसे जो है इस लाइट को जो है बुझा दे रहा है, ये देखिए नीचे जो है मुन्नू है, बार बार इस कोशिश है कि बंद कर रहा है, पर मेरे को तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है लाइट में तो काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस आ रहा है। और मुन्नू जो है बारिश आ चुकी है, वहाँ देखिए पानी भी आ रहा है, आप पानी भी जो है छत से जो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो दिखा देता हूँ, और उसकी भी आवाज़ जो है कैसे आपको सुनाई पड़ती है देखते हैं। तो ये देखिए पानी आ रहा है और सामने की हरियाली, और मुन्नू जो है काफ़ी जो है नटखट काम करते हुए, और लाइट जली हुई है तो काफ़ी साफ, मतलब इसमें जो है अगर रात को जो है इसमें आपको लाइट में अगर आप वीडियो को परफॉर्मेंस करते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है फिर भी। तो सुपर व्यू में काफ़ी जो है इसमें वाइड एंगल का जो है लेंस यूज होता है, तो सामने जो है काफ़ी लंबा चौड़ा जो है सामने से आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी ये जो है मैं रूम में अंदर आ चुका हूँ, तो आप सामने देख सकते हैं नाइट में कुछ इस टाइप से जो है इसका
जो वीडियो फुटेज है दिखाई भी देता है। और इसका ये खुद का इंटरनल जो है, इसमें माइक हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके जो परफॉर्मेंस है इस वाले जो है इंटरनल माइक के कुछ ऐसे ही होती है।